फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर जिसकी कब्र पे यस फ्रेंड्स कब्र पे क्यूआर कोड लगा होता है। यस फ्रेंड्स क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पांस कोड जो कि आप लोग अपने फोन में स्कैन करते हैं। और फ्रेंड्स ईशा अंबानी मुकेश अंबानी की बेटी भले ही आपके नजरों में वो शादी सबसे महंगी शादी हो लेकिन एक तरीके से वो दुनिया की सबसे सस्ती शादी है। कैसे ये बातें मैं आपको बताऊं। सो फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ही फैक्ट। सो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फैक्ट नंबर वन फ्रेंड्स साल 2004 यानी कि ईयर 2014 में आई हुई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों ये फ्रेंड्स आप लोगों में से हर कोई किसी ने देखी होगी और अगर नहीं भी देखी होगी तो ये इस गाने के बारे में तो जरूर सुना होगा। अब फ्रेंड्स इसके नाम एक रिकॉर्ड है इस गाने के नाम फ्रेंड्स अब तक का सबसे बड़ा जो गाना है वो यही है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये फ्रेंड्स 15 मिनट का गाना है। यस फ्रेंड्स 15 मिनट का ये गाना है और फ्रेंड्स इसे फिल्म में दो भाग में करके दिखाया गया है जिसकी वजह से आपको ये गाना काफी छोटा लगता है लेकिन फ्रेंड्स ये अभी तक का सबसे बड़ा गाना है 15 मिनट का गाना। यस फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर टू फ्रेंड्स अगर आप लोग गाने सुनते हैं तो कुमार सानू जी को तो जरूर जानते होंगे। अब फ्रेंड्स जो कुमार सानू जी हैं उनके नाम एक विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यस फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है उनके नाम। फ्रेंड्स कोई भी सिंगर होगा एक दिन में कितने गाने गाएगा 1, 2, 3, 4 मुश्किल से 5 गाएगा लेकिन फ्रेंड्स कुमार सानू जी ने तो हद कर डाली। 1993 में यानी कि 1993 में इन्होंने एक इतिहास नया रच डाला और अपने नाम एक रिकॉर्ड बना डाला। 1993 में इन्होंने एक साथ 28 गानों को गाकर यस फ्रेंड्स एक साथ 28 सॉन्ग्स को सिंग करके इन्होंने अपने नाम दुनिया के सबसे ज्यादा गाने एक दिन में गाने का रिकॉर्ड बना लिया है जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यस फ्रेंड्स जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। और फ्रेंड्स आपको कुमार सानू जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट में बताइएगा मैं भी उसे सुनूंगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर थ्री फ्रेंड्स इस समय कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड की बात हो रही है तो वैक्सीन की बात यहां पर जरूर आएगी। वैक्सीन यानी कि टीका टीका यानी कि कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन। अब फ्रेंड्स टीके की बात आ रही है तो सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का जो रिकॉर्ड है एक दिन में वो इंडिया के पास है। यस फ्रेंड्स इंडिया के पास सबसे ज्यादा वैक्सीन को लगाने का एक दिन में रिकॉर्ड है। यस फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड बना था पीएम नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे। यस फ्रेंड पीएम नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर सभी लोगों ने एक दिन में पूरे इंडिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए थे। यस फ्रेंड्स 2.5 करोड़ से ज्यादा काफी बड़ी तादाद है फ्रेंड्स एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया गया था। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर फोर फ्रेंड्स अगर सिक्योरिटी की बात आती है यानी कि सुरक्षा की बात सिक्योरिटी गार्ड तो आपके माइंड में बाद में आएगा लेकिन उससे पहले आपके माइंड में आ जाता है सीसीटीवी कैमरा। यस फ्रेंड्स सीसीटीवी कैमरा आपके माइंड में उससे पहले आ जाता है। अब फ्रेंड्स कैमरा लगाने की बात हो रही है तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे पहले स्थान पे है वो है दिल्ली। यस फ्रेंड्स दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यहां पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में यस फ्रेंड्स 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 1826 कैमरे लगे हुए हैं। यस फ्रेंड्स 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिए में 1826 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और फर्स्ट प्लेस पे है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से सेकंड प्लेस पे आता है हमारा लंदन और थर्ड प्लेस पे आता है दोबारा से हमारे इंडिया का चेन्नई। यस फ्रेंड्स इन एरियाओं में सबसे ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 5 फ्रेंड्स अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो एक तरीके से आपके माइंड में आ जाता है बिजली के तार। और फ्रेंड्स अगर इसके जनरेशन की बात आ जाती है तो आपके माइंड में आ जाता है
एक डैम। यस फ्रेंड्स, आपके माइंड में डैम आ जाता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर प्योर एनर्जी के सोर्स में डैम तो है, लेकिन हर समय एनर्जी हमें नहीं दे पाएगा। और फ्रेंड्स अगर इसके इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कोयले से, यानी कि कोल से। लेकिन फ्रेंड्स अब कोल से होता है लेकिन काफी ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। अब फ्रेंड्स ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है तो उसमें सोलर एनर्जी ना आए बात ही नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स सोलर एनर्जी जरूर आएगी। अब फ्रेंड्स इंडिया का एक ऐसा रेलवे है जहां पर केवल सोलर एनर्जी से ट्रेनों को चलाया जाता है। यस फ्रेंड्स, उस रेलवे पे केवल और केवल सोलर एनर्जी का यूज होता है, ना कि कोल एनर्जी का। यस फ्रेंड्स, ये जो रेलवे है इंडिया के गुवाहाटी रेलवे पे केवल सोलर एनर्जी का यूज कराया जाता है रेलवे के सभी वर्क्स को करने के लिए। फ्रेंड्स अभी तक क्या ये फैक्ट आपको पता था? नहीं पता था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे, और अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सो फ्रेंड्स फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, ऐसा कौन सा देश है जहां पर कब्र पे भी QR कोड लगा होता है? सो फ्रेंड्स उसका आंसर है जापान। फ्रेंड्स जापान में कब्र के ऊपर भी QR कोड लगा होता है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड का यूज करा जाता है। फ्रेंड्स अगर उस क्विक रिस्पॉन्स कोड का हम लोग यूज करते हैं तो हमें जो इंसान मरा हुआ है या फिर जिसकी कब्र है उसके लाइफ की पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी और उसे हम लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, कौन था, क्या करा, उसने क्या करा है, कितने क्राइम करे हैं, कितने अच्छे काम करे हैं, सब कुछ जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स अगर किसी भी न्यूज को लेने की बात आती है तो हम लोग टीवी पर बाद में खोलते हैं, सबसे पहले तो न्यूज पेपर को उठाते हैं। यस फ्रेंड्स, आप फ्रेंड न्यूज़पेपर को उठाते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर किस देश में पढ़ा जाता है ये जानना भी तो जरूरी है। सो दिक्कत ना की लेने को, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर भी इंडिया में ही पढ़े जाते हैं। लोग सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ने का शौक इंडिया में ही रखते हैं। यस फ्रेंड्स, क्या अभी तक आपको ये फैक्ट पता था? नहीं पता तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स केवल एक शेर ही ऐसा जानवर है जिसे लगभग 15 से ज्यादा देशों में राष्ट्रीय पशु की उपाधि मिली हुई है। यस फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल की उपाधि सबसे ज्यादा शेर को दी गई है। यस फ्रेंड्स, क्या अभी तक आपको ये फैक्ट पता था? सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स अगर सबसे महंगे प्रोडक्ट और सबसे महंगे फोन की बात आए तो आपके माइंड में एक ही फोन आएगा, आधा खाया हुआ एप्पल। यस फ्रेंड्स, आधा खाया हुआ एप्पल वाला फोन आपके माइंड में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स एप्पल फोन की बात आती है तो इसके कई सारे फीचर्स हैं। यस फ्रेंड्स, कई सारे फीचर्स हैं, आप ये जो है विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स एप्पल फोन की बात हो रही है तो फ्रेंड्स इसे कौन कौन यूज कर सकता है? ज्यादातर हर कोई यूज कर सकता है, हर एक को राइट है इसे यूज करने का। लेकिन फ्रेंड्स एक ऐसी भी कंडीशन है कि फिल्म्स में यानी कि मूवीज में किसी भी निगेटिव कैरेक्टर को आईफोन ऑन द स्क्रीन यूज करने की परमिशन नहीं है। यस फ्रेंड्स, अगर कोई विलन का रोल प्ले कर रहा है या फिर निगेटिव रोल मूवीज में प्ले कर रहा है तो वो ऑन द स्क्रीन आईफोन का यूज नहीं कर सकता है। आप ऐसा मूवीज में देख सकते हैं, किसी भी विलन के पास आईफोन ज्यादातर नहीं दिखेगा आपको, चाहे कोई भी फोन हो। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुकेश अंबानी की बेटी यानी कि ईशा अंबानी की शादी सबसे सस्ती कैसे हुई? अब फ्रेंड्स सबसे सस्ती तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने 750 करोड़ रुपए केवल एक शादी में लगा दिए हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो सबसे सस्ती भी है। क्योंकि अगर इंडिया में शादी हो रही है तो उसमें लगभग माँ बाप होते हैं वो लगभग अपने 5 से 6 साल की जो इनकम होती है, जो कमाई होती है, वो अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ईशा अंबानी की शादी में तो उल्टा हो गया। फ्रेंड्स ईशा अंबानी की शादी में जो मुकेश अंबानी जी थे उनकी केवल 2 दिन की इनकम खर्च हुई, 2 दिन की इनकम 750 करोड़ खर्च हुई। इस तरीके से देखा जाए तो फिर सबसे सस्ती शादी हुई टाइम के मामले में। सो फ्रेंड्स अगर आपको जानने को मिला है इस वीडियो से कुछ भी नया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स एक कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।